नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर कमाल आर खान का 36 का आंकड़ा है। फिल्म स्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान हाल ही में थिएटर पहुंची है, जिसके बाद सुपरस्टार सलमान खान पर लगातार कमाल आर खान सोशल मीडिया पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में कमाल आर खान उर्फ केआरके ने एक बार फिर सुपरस्टार सलमान खान पर निशाना साधा है। जी हाँ, लेटेस्ट ट्वीट में केआरके ने दावा किया है कि आखिर क्यों सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 फ्लॉप होने वाली है, जबकि शाहरुख खान की फिल्म जवान हिट का टैग हासिल कर ले जाएंगे। वहीं केआरके ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा, जी हाँ, जवान की कहानी पठान, वॉर, टाइगर, टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 की तरह ही है, इसलिए शाहरुख खान नहीं चाहते हैं कि जवान टाइगर 3 के बाद रिलीज हो। उन्हें लगता है कि लोग एक जैसी ही स्टोरी देखकर पक जाएंगे, तो इसलिए ही उन्होंने जवान की रिलीज डेट टाइगर 3 से पहले रखवाई है। हालांकि केआरके का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर लोगों को एक्टिव कर गया है। जी हाँ, इस ट्वीट के बाद लोग जमकर एक से बढ़कर एक कमेंट्स कर रहे हैं। एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट कर लिखा है, शाहरुख खान ने फिल्म की रिलीज डेट टाइटल अनाउंसमेंट के साथ ही कर दी थी। तो एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है, स्पाई यूनिवर्स कभी फ्लॉप नहीं होगा, जबकि एक यूजर ने दावा किया है कि जवान की कहानी स्पाई यूनिवर्स पर नहीं बनी है। यहाँ देखिए केआरके का ट्वीट आखिर क्या है। आपको बता दें कि जवान इसी साल 2 जून को थिएटर पहुंच रही है और पठान की रिलीज के 5 महीने बाद ही सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने के लिए तैयार है, जबकि सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 इसी साल नवंबर महीने पर तक रिलीज होने वाली है। वहीं सलमान खान की फिल्म को मेकर्स 10 नवंबर 2023 के दिन रिलीज करने वाले हैं। ये सलमान खान की टाइगर सीरीज की ही तीसरी फिल्म है जिसमें कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा कर रहे हैं। आपको कितना इंतजार है टाइगर 3 का और आपको क्या लगता है, जवान हिट होगी या टाइगर 3 हिट होगी? दोनों में फ्लॉप हिट का क्या है, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।